हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी का चिल्ला, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट चिल्ला है। और इस रेसिपी को आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इफ़ आपको पसंद आए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो यहाँ पर मैंने कोकोनट चटनी भी बनाई हुई है, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो या अब हम अपने चिल्ला को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ मैंने ले लिया है इतने सारे इन्ग्रीडियंट्स, एंड फर्स्ट है ये सूजी, एंड उसके बाद मैंने ले लिया है ये व्हीट फ्लोर आटा, थोड़ा सा ले लिया है छोटे कप में, हाफ कप, इससे अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाएगी इसलिए। सो उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पर दही, एंड मैंने एक कटोरी दही ले ली है इसमें डालने के लिए, आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ले लिया है बारीक कटे हुए टोमेटोस, आपको छोटे छोटे चॉप कर लेने हैं टोमेटो को। एंड फिर आपको लेना है ओनियन, ओनियन मैंने एक मीडियम साइज़ का ओनियन कट कर लिया है बारीक बारीक। और उसके बाद मैंने ले लिया है शिमला मिर्च, एंड इसको मैंने 1/2 करके कट किया है, ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी। और उसके बाद मैंने ले लिया है ग्रीन चिलीज़, आप इसको फाइन चॉप भी कर सकते हैं, मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है। सो यहाँ पर ये सारे इन्ग्रीडियंट्स मैंने ले लिया है। अब मैं लूँगी एक बाउल, एंड उसमें मैं डालूँगी अपनी सूजी रवा, एंड अपने रवा को मैं उसमें पुट कर दूंगी। एंड उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पर आटा, दोनों को डाल के मैं इसको थोड़ा मिक्स कर दूंगी जिससे सब एक बराबर हो जाए। उसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें दही, प्याज, जितना मैंने काटा है सब कुछ, सब्जियाँ वगैरह सब कुछ मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें टोमेटोस, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर शिमला मिर्च, आप चाहें और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस की। सो यहाँ पर अब लास्ट मेरा है यहाँ पर ये ग्रीन चिली, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ये कुछ आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी, एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑफ वाटर, एंड वाटर आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है जिससे इसकी एक अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाए, ऐसा आपको ऐड करना है। सो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी, एंड उसके बाद मैं इसमें और वाटर ऐड कर दूँगी, एंड उसको मिक्स करूँगी। और उसके बाद अगर आपको पानी कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। सो यहाँ पर मेरी अच्छी कंसिस्टेंसी बन गई है। सो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी नमक, नमक आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है, और रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, चाट मसाला मैंने टेस्ट के लिए डाला है, आप भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल तवा लिया है, यहाँ पर मैं कोई नॉन स्टिक तवा नहीं ले रही हूँ, उस पर मैंने हल्का तेल लगा लिया जिससे मेरा चिल्ला जो है वो अच्छे से पक जाएगा और छिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपने चिल्ले को पुट कर दिया है, और उसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी यहाँ पर मस्टर्ड सीड, राई, राई डालने के बाद आप इसके ऊपर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सो यहाँ पर मैं इसको जस्ट पलट दूंगी, अच्छे से इसको पकाऊंगी दोनों साइड से। सो यू कैन सी मैंने कितना अच्छा इसको कुक किया है। सो फाइनली मेरा चिल्ला कुक हो गया है, और यहाँ मैंने इसको कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मेक श्योर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।